आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा, ये सामने जो पेंटिंग की जो डिज़ाइन आ रही है, पेंट किया हुआ है हमने इसे एमएस पेंट से, ये डिज़ाइन हमें इसमें बना के देखनी है तो कैसे बनाएंगे। तो गाइस, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपके लिए ये व्यू टैब पूरा बता दिया था। अब इसमें क्या है, हमारा ये होम मेन्यू और व्यू टैब ये दोनों हो चुके हैं। अब इसमें क्या है, पहले इसमें उसके ऑप्शन करा दिए, इसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स और शेप्स सभी का मिला करके एक प्रैक्टिकल करना है। जैसे मैंने ये बनाया है साड़ी की किनारी बोलते हैं क्या होते हैं डिजाइन के लिए, जैसा अभी नेम है इसका साड़ी किनारी बोलते हैं। तो इसके लिए मुझे यही डिजाइन करना है, तो कैसे बनाएंगे सभी से मिला करके। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से इसे बोलते हैं हम पेंट बटन, तो इसमें जाएंगे पेंट बटन में, यहाँ रहा न्यू, तो यहाँ से मैंने ले लिया न्यू। अब न्यू में क्या, बिल्कुल तीन पेज आ गया। अब मैं इसे कैसे बनाऊँगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, शेप्स में ही आता है हमारा ये लाइन, ये है हमारी कल्प लाइन, तो इसका हम कल्प लाइन का प्रयोग करके बनाएंगे। कल्प लिखा हुआ तो उस पर हमने क्लिक किया और कीबोर्ड में हमने दबा के रखा शिफ्ट, शिफ्ट दबाएंगे तो क्या हुआ, ये लाइन हमारी सीधी खींचेगी बिल्कुल इस कंडीशन से, वरना टेढ़ी हो जाएगी, दूसरी जगह खींचोगे तो टेढ़ी हो जाएगी विदाउट शिफ्ट। तो ये मैंने लाइन खींच ली। अब इसका क्या, साइज थोड़ा मोटा आ रहा है, तो उसके लिए मुझे साइज में जाऊँगा और यहाँ से ये पतली लाइन ले ली। अब मैंने इसे यहाँ से बीच से यहाँ से इस कंडीशन से लचा दिया एक साइड से राइट की ओर, सिलेक्ट से करूँगा इसे सिलेक्ट, सिलेक्ट पे क्लिक किया, फिर लाइन के लिए मैंने कर लिया यहाँ से सिलेक्ट। अब यहाँ से मैंने इसे कर दिया कॉपी और ये पेस्ट, कॉपी पेस्ट से क्या होगा, इसकी सेम एक कॉपी और बन के आ जाएगी यहीं पर। अब इसके पास लेके जा रहा हूँ तो ये क्या है, छिप रहा है, छिप रहा है, उसके लिए मुझे क्या करना है, फिर जाना मुझे सिलेक्ट में, सिलेक्ट में आ रहा है ये हमारा ट्रांसलेशन सिलेक्शन, तो इस पर क्लिक किया। अब क्या, मैं जब इसके पास लेके जाऊंगा तो ये दबेगा नहीं इस कंडीशन से, ये ऊपर इसके जा रहा है। तो गैस ये हमें करना है रोटेट, रोटेट में जाएंगे इस कंडीशन से, रोटेट वाले ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक किया, उसके बाद ये छूट गया सिलेक्ट था, फिर मैंने इसे हटाया और यहाँ से मैंने ये इस पॉइंट पर ला करके जोड़ दिया, तो ये मोती जैसी आकार की आकृति बन गई। अब इसके इसे सिलेक्ट किया यहाँ से और ये कॉपी किया फिर से और पेस्ट, तो इस कंडीशन से ये कॉपी पेस्ट करके हम बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी पेस्ट किया है, फिर से सिलेक्ट किया कॉपी और ये पेस्ट, फिर से ये आ गया। अब क्या है, इसे रोटेट करना है राइट की ओर, तो फिर से आएंगे रोटेट और यहाँ पे लिखा हुआ है ये रोटेट, यहाँ लिखा हुआ लेफ्ट, तो ये लेफ्ट हमें करना है, हमें करना है रोटेट राइट, तो राइट से हमने ये क्लिक कर दिया, तो इस कंडीशन से ये घूम का रहे है, अब घूम जाएगा। अब क्या, ये थोड़ा कटा हुआ सा आ रहा है, तो उसके लिए हमें इस पॉइंट पे आना है, ये पॉइंट आ रहा है यहाँ से, थोड़ा मैं हल्का सा दबाया थोड़ा सा खींचा तो ये पूरा हो जाएगा। अब इस कंडीशन इस पॉइंट पे लेके आएंगे यहाँ पर और ये जोड़ देंगे, जैसा भी जोड़ना है, जितना इधर उधर करना है वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं एरो बटन से भी, कीबोर्ड में एरो बटन होते हैं चार, तो इससे हमने ये सेट कर दिया। फिर से पूरा ये फूल सा बन गया, ऐसे हमने सेलेक्ट कर लिया पत्ते हैं, फिर से हमने इसे किया कॉपी और ये पेस्ट, तो यहाँ से इस कंडीशन से हम इसे सेट कर सकते हैं। हमने दोनों के लिए सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से और ये कर दिया कॉपी और ये पेस्ट, दो के चार हो जाएंगे, और चारों के लिए हमने सिलेक्ट किया इस कंडीशन से और इसे बीच में ले लिया यहाँ सेंटर पर इस कंडीशन से। अब हमें क्या लेना है, यहाँ से हमें जाना है ये शेप्स, शेप्स में हमने ये रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल से हमने इस कंडीशन से इसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ये डाउन कर दिया थोड़ा इधर की ओर और ये राइट की ओर और ये लेफ्ट, इतना भी रखना है। इस कंडीशन से हम ये सेट कर सकते हैं पूरा, और ये एरो बटन से इधर उधर भी कर सकते हैं अभी, अगर हमने कहीं बाहर क्लिक कर दिया जैसे, तो ये बन के आ जाएगा रेक्टेंगल, अब कहीं पर भी नहीं होगा, जैसा बन गया है वैसा ही रह जाएगा अभी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये तो बन गया हमारा डिजाइन, अब सी मारे आए ये लाइन, ये लाइन हम शिफ्ट लगा करके खींचेंगे तो उनको सीधी आएगी, विदाउट शिफ्ट खींचेंगे तो इस कंडीशन से ये टेढ़ी टेढ़ी आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें दबा के करना है शिफ्ट के साथ, तो उसके लिए मैंने शिफ्ट दबाया और यहाँ से ये लाइन हमें ले लिया है, और उसके बाद यहाँ से हमने इसे इस कंडीशन से खींच दिया और यहाँ से भी हम इसे डाइवर्ट कर दिया इस कंडीशन से और एरो बटन से इधर उधर कर दिया ये लाइन। अभी क्योंकि हमने बाहर क्लिक नहीं किया इसलिए लाइन हमारी एरो बटन से इधर उधर भी चली जाएगी, अगर कहीं बाहर क्लिक कर दिया अब एरो बटन से कहीं नहीं जाएगी,
ये तो हो गया हमारा एरो बटन का प्रयोग करना इस लाइन का, तो इस कंडीशन से ये कर सकते हैं। तो ये मैंने चारों अलग अलग कर दिए। अब कहीं बाहर क्लिक करना है, ऐसे ही थोड़ा गड़बड़ रह गया, तो इसे मैंने छोटी सी लाइन रहेगी इसे बैक किया, फिर से कंट्रोल जेड और दोबारा से मैंने शिफ्ट दबाया और यहाँ से ये पूरी लाइन पे ले लिया। थोड़ा बड़ा हो रहा है, हो जाने दो, मैं बाद में सेट कर दूँगा। बाहर निकल गया थोड़ा सा, तो यहाँ मैंने सेट कर दिया। अब ऐसे क्या ये थोड़ा ज़्यादा निकल गया बाहर की ओर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एयर का प्रयोग करेंगे और यहाँ से हम इसे पहले करेंगे जूम, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आ रहा हमारा स्क्रॉल बार, इसे बोलते हैं ओरिएंटल स्क्रॉल बार। तो यहाँ से हमने इसे नीचे की ओर खींचा और यहाँ से हमने इसे डिलीट कर दिया एयर से, थोड़ा ज़्यादा निकल गया बाहर, और यहाँ से भी हमने डिलीट कर दिया। तो इस कंडीशन से हम इसे सेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेट हो गई, एक लाइन बची हुई है ये वाली, तो ये भी हो गई। अब क्या है, हमें जाना है व्यू और व्यू में जाके 100% पर क्लिक कर देना है, तो इस कंडीशन से ये बन जाएगा गाइस। तो इसमें क्या है, कलर तो हम यहीं से डाल सकते हैं, ये कलर आ रहा है जैसा। उसमें अगर डबल लाइन लेनी है तो यहाँ से फिर से ही रेटिंग पर जाएंगे, तो कलर बाद में डालते, पहले ही रेटिंग ले करके सेट कर लेते हैं डबल लाइन। तो ये इस कंडीशन से ले सकते हैं, बॉर्डर है ये हमारा इसका डबल लाइन का, और बाहर क्लिक कर दिया तो इस कंडीशन से ये बन गया जाएगा। अब क्या हमें इसमें करना है, यहाँ से कलर, तो यहाँ सिंपल मैंने यही कलर ले लिया, इसमें और भी कलर हैं, जैसा भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये कलर ले लिया, कंडीशन से क्लिक करते जाएंगे वो कलर आता जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर कलर चाहिए तो यहाँ से मैंने ये ले लिया ब्लू कलर है, यहाँ से ब्लू भी लेना है जैसा भी लेना है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। मैंने गाइस में ब्लू कलर ले लिया है और यहाँ से ये ले लिया मैंने शेप्स में जा करके ये स्टार या फिर ये 5 स्टार जैसा भी लेना है, मैंने यहाँ से इस पर कर दिया क्लिक, क्योंकि इसका जो कलर है वो देख नहीं लिया ठीक से, क्योंकि हमारा ये कलर वन में ब्लू कलर है। तो यहाँ से हमने इसमें ले लिया वाइट, और यहाँ से जो भी स्टार बनाएंगे कुछ बनाएंगे तो यहाँ से डायरेक्ट वो देखने लगेगा। अब इसकी क्या है, लाइन वाइट हो गई इसलिए दिखने लगा। तो इस कंडीशन से यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं, जैसा भी स्टार चाहिए तो स्टार ले सकते हैं, बहुत सारे यहाँ से शेप्स मिल जाएंगे तो वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो गाइस ये तो आपके लिए समझ में आ ही गया हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं और भी इसमें डिजाइन बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ से ये सारी डिजाइन करके देख लेना और भी। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए सही लगे तो इसे लाइक करना। तो गाइस ये तो इस वीडियो में तो इतना ही रहेगा, अगर इसमें बॉर्डर में भी कलर करना है तो यहाँ से ये फिजिकल कलर में जा करके यहाँ से ये बॉर्डर हमने इसमें कलर नहीं दिया तो यहाँ से इसमें भी कलर दे देते हैं यहाँ से आउटलाइन का। तो ये हमारा हो गया कलर। तो गाइस वीडियो के लाइक करना, अच्छी लगे तो इसे ये कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी आपके लिए। तो गाइस इसमें तो इतना ही रहेगा, अगली वाली वीडियो में और बताएंगे इसमें पेंटिंग का ही सारा डेटा।